हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। अ बर्ड इज सिटिंग इन द लार्ज क्लोज केज व्हिच इज प्लेस्ड ऑन अ स्प्रिंग बैलेंस इफ रिकॉर्ड्स 25 न्यूटन। द बर्ड फ्लाइज अपवर्ड्स इन केज विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द स्प्रिंग बैलेंस विल रिकॉर्ड नाउ। तो बच्चों मान लो एक बड़ा केज है आपका इस तरह से, ठीक है, और इसमें एयर होगी इस तरह से कुछ। तो हुआ क्या है बेसिकली, अगर आप देखोगे तो जब बर्ड फ्लाई करेगा, बर्ड क्या करेगा, फ्लाई करेगा, सो इट विल पुश इट विंग्स डाउन, दैट मीन्स एयर को पुश करेगा। तो एयर को पुश करेगा तो ये फोर्स कितना लगेगा उसके ऊपर, ठीक है, मास 0.4 है तो ये एफ अप हो गया, एफ अप, और इस पर एम जी नीचे लग रहा है तो एफ अप माइनस एम जी, एफ अप माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ अप कितना आ गया यहाँ से, एम जी प्लस मास एम जी प्लस एम ए, यानी कि एम जी प्लस ए 10 प्लस 2, तो ये हो गया आपका 0.5 × 12, दैट इज इक्वल टू 6 न्यूटन। ठीक है क्या, ये है, कुछ गलती नहीं की ऊपर ने, देखो 0.5 10 प्लस 2, तो एफ अप माइनस एम जी इज इक्वल टू व्हाट, एम इंटू ए, सही है। तो एफ एफ कितना हो गया, 6.5 × 10 पावर 12, 6 न्यूटन का फोर्स लगाएगा वो एयर पर। बच्चों लेकिन ये फोर्स कहाँ लगेगा, ये फोर्स लगेगा आपका एयर पर, ठीक है ना। और अगर आप देखो तो इनिशियली इसका वेट कितना था, दोनों को जब बैठे हुए थे, मान लो ये बैठा हुआ है इस केज पर, ठीक है, तो 0.5 × g प्लस मास ऑफ केज इंटू जी, तो टोटल कितना है आपका, एम सी मास इंटू जी प्लस 5 इज इक्वल टू कितना है आपका, 25। तो एम सी जी कितना हो गया आपका 20, यानी कि मास ऑफ केज का वेट जो हो गया वो हो गया 20 न्यूटन। अब एफ अप जो लगा एयर पे लगा, और एयर इसको पुश करेगी केज को डाउन, तो जो अब लगेगा वो लगेगा आपका 25 प्लस एफ अप, क्योंकि एयर पे फोर्स लगा है, इसने फोर्स लगाया है, आप ऐसे बोल दो जहां पे वो बैठा हुआ था, ऐसा मान लो, मान लो ये इस पे बैठा हुआ था बर्ड, तो इस पे बैठा हुआ था बर्ड, तो इसने इस पे क्या लगाया हुआ, एक फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड्स, तो इस पे फोर्स क्या लगा अपवर्ड्स, तो इसका मतलब केज पे लगा डाउनवर्ड्स एफ अप, तो ये हो जाएगा 20, सॉरी ये 20 न्यूटन था ना, मास ऑफ सी जी प्लस एफ अप 26 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। सो राइट आंसर ऑफ द सी, ऑल द बेस्ट।